छपरा में शासन और प्रशासन की अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने खुद ही गंडक नदी पर 25 लाख की लागत से पक्का पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। दो प्रखंडों और दो विधानसभा के अलावा दो लोकसभा के बीच गंडकी नदी के ऊपर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों की मांग को जब प्रशासन ने अनदेखी और अनसुना किया तो ग्रामीण खुद ही चंदा जमा कर पुल निर्माण में जुट गए हैं। दरअसल ये पूरा माजरा मढौरा प्रखंड के नहरपुर और बनियारपुर प्रखंड के पिछौरी के बीच स्थित गंडकी नदी का बताया जा रहा है, जहां तकरीबन 10 दशकों से यहां के ग्रामीण नाव से इस पार से उस पार जा रहे हैं। फिर 5 दशकों से यहां के ग्रामीण बांस की चचरी बनाकर आते जाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। और इसके बाद ग्रामीणों की हमेशा से पक्का पुल की मांग रही है, लेकिन जब सरकारी सिस्टम ने कोई सुध नहीं लिया तो ग्रामीण खुद ही अपने मजदूरी से पैसा इकट्ठा कर पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं शासन की घोर लापरवाही को भी दर्शाता है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण परेशान है और इसके बाद खुद ही एक्शन लेते हुए इस पुल का निर्माण करने में ग्रामीण लगे हुए हैं। छपरा का यह गंडकी नदी है, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गंडकी नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल तकरीबन 10 दशकों से यहाँ के जो लोग हैं वो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए कभी डेंगी का सहारा लिया करते थे, तो तकरीबन 5 दशकों से बांस की चचरी पार करके अपना जीवन यापन करते थे और घरों से बाजार जाते थे, अस्पताल जाते थे या फिर अन्य कार्यों के लिए जाते थे। लेकिन हर वर्ष चचरी बनाने में जो खर्चा आता था उसको लेकर के ग्रामीण कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, लोगों से बात किए, प्रशासन से, शासन से बात किए कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए। लेकिन पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों ने खुद ही अब अपने बलबूते पुल निर्माण का कार्य शुरू किए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पुल निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी जरूरी थी यहाँ पे पुल और प्रशासन से क्या आप लोगों ने मांग नहीं की थी कि खुद से निर्माण करा रहे हैं? नहीं, प्रशासन से मांग की थी, ये थे, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, न नेता, न विधायक, न MP, कोई नहीं। इसके बाद हम लोग मतलब अपना ये कार्य शुरू किए, कहे कि आवागमन का सुविधा नहीं है यहाँ से, करीब समझ जाइए कि कई गांव है, कई गांव का रास्ता यही है, लेकिन रास्ता के अभाव में जो नहीं बन रहा था, तो हम लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके हर गरीब से एक एक रुपया इकट्ठा करके तब हम लोग ये पुल बनवाया। तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दरकिनार करते हुए खुद से पुल बनाने का यहाँ पे काम शुरू किया है। कुछ और लोग हैं यहाँ की जो जनता है अब खुद पुल बना रही है, तो यहाँ पे इतनी जरूरत, कितनी जरूरत है यहाँ के लोगों, और क्या परेशानियाँ होती थी पुल नहीं होने से? परेशानियाँ होती थी कि यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए 10 किलोमीटर घूम के जाना होता था, तब तक रोगी बिगड़ जाता था, मर जाता था। बाजार जाना है तो 5-7 किलोमीटर घूम के जाइए। क्या कारण रहता था कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने अब तक ध्यान नहीं दिया? सब कोई जनप्रतिनिधि दरकिनार करके चला है। क्या कारण रहा? कारण रहा कि ये यहाँ दलित बस्ती है, यहाँ आवाज उठा करके कोई चलने वाला नहीं है, यहाँ चमचागिरी लोग नहीं करते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, खाते हैं। क्या दिक्कतें हो रही थी जब चचरी पार करके जाना पड़ता था? चचरी पार करने में दिक्कतें हम लोगों को ज्यादा उठानी पड़ती थी, चूंकि छोटा बच्चा स्कूल नहरपुर में है, बच्चा कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, उसका तो श्रेय माई बाप को होता है, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होता था। बच्चा लोग को अगर 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, स्कूल लेट होता है। तो आपको बता दें कि यह जो गंडकी नदी है, यह दो प्रखंडों को, दो विधानसभा और दो लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ती है। इस नदी के बाएं साइड की अगर बात करें तो मढौरा प्रखंड आता है, सारा लोकसभा क्षेत्र है, और दाहिने साइड बात करें तो बनियापुर विधानसभा और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है। शायद इस वजह से भी जो है वो समन्वय नहीं बन पाता होगा, जिस कारण पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तो अब ग्रामीण जो है खुद जागरूक होकर और सरकार के जितने वादे हैं, उनके जो चुनावी वादे होते हैं, उनको भी
नकारते हुए खुद के दम पर पुल बनाने का कार्य किया है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से जा सकें, बाजार कर सकें, या फिर बच्चों की पढ़ाई में जो डर होती थी चचरी से कि कहीं बच्चे गिर ना जाए, कई लोग गिर के चोटिल भी हुए हैं, तो उन समस्याओं से ग्रामीण अब खुद निजात के लिए कदम उठा चुके हैं और पुल का निर्माण कार्य शुरू है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।